हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 24 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। पहला है इंडिया की माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम से संबंधित, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे लोकल कम्युनिटी के जो इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे सिक्योरिटी के साथ कंसर्न रहते हैं, उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, किस तरह से कम्युनिटी जो हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड तीसरा मुद्दा जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा थोड़ा इलेक्शन कमीशन से संबंधित। तो तीनों मुद्दे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले कोट ऑफ द डे। और आज की जो कोट ऑफ द डे है वो बोली गई है सॉक्रेट्स के द्वारा, जो क्या कहते हैं, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। अक्सर देखिए, आजकल ना लाइफ हमारी काफी ज्यादा एक तरह से बिजी लाइफ हो चुकी है। यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए एक 9 to 5 जॉब है, जहां सुबह उठते हैं एंड कहीं ना कहीं पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, एंड ओवर द टाइम हम अपनी लाइफ को ना ज्यादा अच्छे से एग्जामिन नहीं कर पाते। तो देखो, यहाँ पर सॉक्रेट्स का एक तरह से आप इस तरह से मान सकते हो कि इतनी बिजी लाइफ की वजह से हम अपनी लाइफ के अंदर ना ज़्यादा और कोई चीज़ें सोच नहीं पाते। तो लाइफ काफ़ी बिजी हो चुकी है और एक तरह से एग्जामिनेशन उसकी वजह से साइड में जा चुका है। इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपने अशोका द ग्रेट के बारे में सुना है, राइट? बिल्कुल सुना होगा। तो अशोका की अगर बारे में बात करूँ ना मैं आपको, तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जब कलिंगा वॉर से पहले की बात अगर आपने नोटिस करी होगी, तो एक अलग पर्सन थे कलिंगा वॉर से पहले, उसके बाद वो एक डिफरेंट पर्सन निकल कर आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को एक तरह से अच्छे से एग्जामिन किया। तो एग्जामिन करना लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो सही भी है या नहीं है। इसी तरह से आप सभी जानते होंगे वाल्मीकि जी के द्वारा, ठीक है ना? इनके बारे में अगर आपको पता हो ना, तो पहले एक तरह के थे, एक डकैत थे, ठीक है? बट जब इन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा एग्जामिन किया, अपनी उस पर्टिकुलर चीज़ को देखा कि किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ का जो हायर मीनिंग है उसको मैं अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, जब इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी, तो ये डकैत की जगह क्या बन गए, एक तरह से ये संत बन गए, ठीक है ना? और इन्होंने बाद में रामायण भी लिखी। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये इसीलिए तो पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छे से एग्जामिन किया। तो एक अपनी लाइफ का एक्चुअल में मोटिव क्या है, किस वजह से हम इस धरती पर आए हैं, ये समझना बहुत जरूरी होता है। वही हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर बना सकती है। वरना देखो, एक सिंपल अगर मैं बात करूँ बाकी एनिमल्स की और एक ह्यूमंस के, तो इनके बीच में मेजर फर्क पता क्या है एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच का? मेजर फर्क यही है कि हम अपनी सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए काम नहीं करते, हम अपनी लाइफ का हायर मीनिंग ढूंढने के लिए काम करते हैं, जिसको परस्यूट ऑफ माइंड बोल लीजिए, परस्यूट ऑफ विजडम बोल लीजिए, वो सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। चलते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, फिक्सिंग इंडियाज माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, अभी आप सभी जानते हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स थोड़े टाइम पहले आया, और इन्होंने इंडिया की एक खराब पिक्चर प्रेजेंट करी गई है बेसिकली, जिसमें इंडिया का रैंक क्या था, इंडिया का रैंक हमें देखने को मिला 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ये काफ़ी खराब सिचुएशन है। और देखो, अगर आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आप जानते हो कि ये किया जाता है कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड इसके साथ ही साथ जो वर्ल्ड हंगर हेल्थ, ठीक है ना, इनके द्वारा ये एनुअली एक तरह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट निकाली जाती है। अब यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो इंडिया की रैंक काफ़ी ख़राब है, और जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उन्होंने भी बोला है कि ये जो पर्टिकुलर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये एक तरह से कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इतना खराब रैंक तो इंडिया का नहीं आना चाहिए था। और अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया कौन सी कैटेगरी में डाला गया है, सीरियस कैटेगरी के अंदर डाला गया है। पर यहाँ पर राइटर ये बात कर रहे हैं कि हाँ, हो सकता है हमारी रैंकिंग बहुत ज़्यादा खराब दे दी गई हो इनके द्वारा, पर क्या हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा इग्नोर कर सकते हैं? अब देखो, NFHS 5 आप सभी जानते हो, ये तो हमारी खुद का ही डेटा है ना, ठीक है? यहाँ पर तो कोई बाहर से कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही, तो ये तो हमारा खुद का ही डेटा है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो हालात एक्चुअल में इंडिया के काफ़ी ख़राब है। जैसे एग्जाम्पल सोचो, आप लोग सभी जानते हो किसके बारे में, स्टंटिंग के बारे में जानते हो, ठीक है? स्टंटिंग की जब मैं बात करता हूँ तो स्टंटिंग का मीनिंग क्या होता है, स्टंटिंग का आप सभी जानते हो इसका मीनिंग होता है जब किसी की हाइट कम होती है उसकी एज के कंपैरिजन में, मतलब एज उसकी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है पर क्या कम है, हाइट की कमी है। उसी तरह से आप दूसरी चीज़ जानते हो वेस्टिंग के बारे में। अब वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो वेस्टिंग का मीनिंग भी होता है जब किसी की जो वेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू हिज हाइट, मतलब हाइट अच्छी खासी है पर वेट में कमी है। तो अगर आप इनके नंबर्स देखो ना, तो NFHS 5 के द्वारा आपको नोटिस करने को मिलेगा कि नियरली 35% जो बच्चे थे वो स्टंटेड थे, मतलब उनकी हाइट कम थी उनकी एज के कंपैरिजन में, और लगभग 20% के आसपास जो नंबर है वो हमें वेस्टिंग का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
तो ये नंबर्स तो काफी अलार्मिंग है एक्चुअल में, ठीक है। और उसी तरह से 32% बच्चे क्या है, अंडरवेट है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एक्यूट माल न्यूट्रिशन की, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन भी काफी खराब है इंडिया के अंदर। तो डेफिनेटली देखो, हो सकता है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक तरह की, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि खराब गलत रिजल्ट बता रहे हैं, पर अगर हम NFHS का डेटा देखें ना, तो वो बता रहा है कि इंडिया में अभी भी माल न्यूट्रिशन को फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडिया में अच्छा काम अभी करना काफी जरूरत यहाँ पे हमें पड़ जाती है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स की बात करें तो उन्होंने अलग अलग चीजें देखी हैं, पर यहाँ पर एक राइटर बात करते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी लेकर आई गई हैं, पर इनके जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे हमें वो रिजल्ट्स कुछ हद तक नहीं देखने को मिले हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, आपने देखो पोषण अभियान के बारे में सुना होगा, पोषण 2.0 स्कीम, ठीक है। तो पोषण 2.0 के अंदर अब आपको बहुत सारी स्कीम्स इन्होंने अपने अंदर संभाली है, मतलब बहुत सारी स्कीम्स को कंबाइन करके पोषण स्कीम बनाई गई है। यहाँ पर हमारा काम क्या था, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ, ठीक है ना, बच्चों के साथ, इन सभी के साथ हम डील करें, इनके जो इश्यूज हैं इनके साथ वर्क करें। पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, 2022-23 का ना बजट नोटिस करो जो इस स्कीम को दिया गया है, तो वो कितना है, वो है 20,000 करोड़, ठीक है ना। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, 2020-21 का कितना बजट था, वो भी सिमिलर सा ही था। मतलब अगर हम पिछले दो सालों में देखें ना, तो लगभग ऑलमोस्ट उतना सा ही बजट रहा है, इसमें ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला, 1% से भी कम इंक्रीज है। तो दो साल हो गए हमने इसका बजट, एक तरह से मान लीजिए हमने बजट ही नहीं इसका बढ़ाया, तो क्या दिखा रहा है, हम इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रहे। उसी तरह से आप बाकी स्कीम्स देख लीजिए, जैसे कि आप जानते हो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इसको भी देखो आप जानते हो, मिड डे मील स्कीम काफी पॉपुलर स्कीम रही है, ठीक है ना। इसको जब पहले इसको मिड डे मील स्कीम बोलते थे, अब इसका नाम चेंज कर दिया। तो यहां पर भी आप नोटिस करो कि 2020-21 में इसका जो बजट था वो कितना था, वो ज्यादा था, और 2022-23 में इसका बजट कम कर दिया गया है। तो बजट कम हो रहा है तो क्लियरली क्या दिखा रहा है, हम उतना बजट एलोकेट नहीं करेंगे। और अगर बजट नहीं एलोकेट होगा तो न्यूट्रिशन कैसे देश के अंदर इंप्रूव होगा, राइट। उसके अलावा अगर आप देखते हो जो हमारे पास CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, ठीक है, ये ऑफिसर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं तो देखते हैं कि स्कीम्स कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं, क्या उसके लैकुनाज हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे। पर ये जो ऑफिसर इसको देखते हैं, इसका ऑडिट करते हैं, इसके रिगार्डिंग चेकिंग करते हैं कैसे काम कर रहे हैं, वो ऑफिसर्स की ही कमी है। 50% तो यहाँ पे हमें वैकेंसीज देखने को मिलती हैं इन डिफरेंट स्टेट्स, सच एस झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, ये सारी स्टेट्स के अंदर। तो अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास फंड्स की कमी हो गया, ठीक है ना, जो हमारे फंक्शनरीज जो काम करेंगे इनके रिगार्डिंग, उनकी कमी हो जाएगी, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ना पैसे हैं ना काम करने वाले लोग हैं। जब दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो काम आखिर होगा कैसे, वो स्कीम इंप्लीमेंट कैसे होगी, ठीक है। ऊपर से अगर हम बात करें देखो सोशल ऑडिट की, तो सोशल ऑडिट जो होना था उसको रूटीनली नहीं किया जाता। डेफिनेटली लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो बता पाएंगे कि हाँ इतना पैसा यहाँ पर खर्च हुआ, इसका इफेक्ट ये आया। एक तरह की ना सोशल ऑडिट से क्या आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। पर अब हर जगह जब या फिर रूटीन बेसिस पे अगर सोशल ऑडिट नहीं होगा तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स ने इसके रिगार्डिंग अच्छा काम नहीं किया, ऐसा राइटर का मानना है। अब एक देखो, काफी बार ना हम बात करते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दो, कैश ट्रांसफर कर दो, इस तरह की हमारे द्वारा बातें करी जाती हैं। इवन देखो जो जनधन, आधार, मोबाइल, जैम, ट्रेनिटी की जब हम बात करते हैं, तो तीनों कंपोनेंट्स भी यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करेगी कि कैश ट्रांसफर के बेसिस के ऊपर हम इसको कर सकें। हमने साथ ही साथ देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है, ताकि लोगों तक पहुंच पाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश करी है, लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं। इसके साथ ही साथ हमने कोशिश करी है कि जो बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है ना, बेनिफिशियरीज को हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएं। इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं ताकि जो इंक्लूजन एरर है और साथ ही साथ एक्सक्लूजन एरर है, इसको हम हटा पाएं। सर इसका मीनिंग क्या होता है, देखो कोई गलत इंसान को सही स्कीम का फायदा ना मिले और किसी सही इंसान को गलत कोई फायदा ना छूटे। जैसे मान लो एग्जांपल समझाता हूँ, कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई अमीर इंसान है और उसको भी क्या होता है, वो उनके पास BPL कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन का, कि गरीब लोगों के लिए जो स्कीम का फायदा देना था वो अमीर लोग उठा रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड कई बार क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं ना उनको दरअसल में स्कीम का फायदा मिल ही नहीं पाता जिनके लिए एक्चुअली वो स्कीम बनाई गई थी। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे ना हमने ये कोशिश करी है कि इस तरह के एरर्स हम हटा पाएं, जो भी इस तरह के गलत लोगों को फायदा मिलता है या सही लोगों को फायदा नहीं मिलता उसको हटाने की यहाँ पे बात करी गई है। इसके अलावा जब लोगों के पास में कैश पहुंचता है ना, तो एक तरह की उनके पास चॉइस मिलती है कि अच्छा अब मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे को ना अपनी मर्जी से स्पेंड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ देखो कि एग्स खाना तो मैं अंडे खा सकता हूँ, अगर मैं मिल्क पीना चाहता हूँ उस पैसे से तो मिल्क ले सकता हूँ, अपनी बेसिकली न्यूट्रिशनल लेवल को मैं अपने इम्प्रूव कर सकता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो कैश ट्रांसफर का डेफिनेटली एक पॉजिटिव इफेक्ट तो रहा ही रहा है, पर इसके अलावा हमारे पास ना इसके काउंटर एग्जांपल्स भी बहुत सारे हो जाते हैं कि कैश ट्रांसफर का इम्पैक्ट नेगेटिव भी है। किस तरह से, देखो एक तो आप सोच सकते हो
कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको पैसा दे दिया तो उसको आप न्यूट्रिशन के लिए यूज करोगे, राइट। उसके साथ ही साथ एक ना हमारे यहाँ पे सन प्रेफरेंस की बात मिलती है। सन प्रेफरेंस का मतलब क्या है, देखो आप खुद भी जानते हो, ये चीज़ें आपने भी नोटिस करी होंगी कि अगर ना आपके पास 100 रुपये हैं मान लीजिए, तो उसमें से ज़्यादातर पैसा कहाँ स्पेंड करा जाता है, लड़के के ऊपर, और लड़कियों के ऊपर कम स्पेंड किया जाता है। तो हुआ क्या, हमें ना न्यूट्रिशन नीड्स अलग अलग देखने को मिल जाती है, सन्स के लिए अलग और यहाँ पे डॉटर्स के लिए अलग। तो ये वाली चीज़ ना, ये जो जेंडर डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, वो इश्यूज़ यहाँ पर आ सकते हैं जब हम बात करते हैं इन कैश ट्रांसफर्स की, ठीक है ना। तो कैश एक तरह से हेल्पफुल ज़रूर हो सकता है, पर अगर हम ये मान लें कि कैश ट्रांसफ़र करना हर चीज़ का सलूशन हो जाएगा दुनिया के अंदर, तो ये बात भी हमारे लिए गलत हो जाएगी। इवन देखो ओडिशा के अंदर हम बात करें ना, एक ममता स्कीम है ओडिशा के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ें नोटिस करी गई हैं कि कैश ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग कुछ हम उतने जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आए हैं, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और देखो माल न्यूट्रिशन इंडिया का एक काफ़ी मेजर इशू बना हुआ है, और यहाँ पर ना कोई इस गवर्नमेंट को कोई ब्लेम नहीं कर रहा कि ये गवर्नमेंट, देखो आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है कि हम इस चीज़ के ऊपर वर्क करें, ठीक है। यहाँ पर कोई ब्लेम करने से फ़ायदा नहीं होगा कि ये बोल देगा कि एक पोलिटिकल पार्टी बोल देगी कि इनकी गलती है, इन्होंने हिस्ट्री में ये काम नहीं किया, आपका काम करना चाहिए। नहीं, सबको, ऑपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, सबको मिलकर साथ में आकर ना साइलोज में काम नहीं करना चाहिए, आपस मिलकर सोचें कि इसको माल न्यूट्रिशन को कैसे सॉल्व करें, और एक तरह की ना होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हमारे पास, कि सिर्फ इतना नहीं है कि लोगों को खाना दे दिया, नहीं, उनकी जो न्यूट्रिशन नीड्स हैं, उनके जो अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंचने चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, अच्छी सैनिटेशन होनी चाहिए, ये सारी बातें होंगी तभी हम मान पाएंगे कि इंडिया ने माल न्यूट्रिशन को रिमूव करने के अंदर अच्छा काम किया है। जहां जहां पर कैश ट्रांसफर अच्छा है वहां पर कैश ट्रांसफर से काम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि जहां पे बहुत मेजर इश्यूज हैं उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर हम कैश ट्रांसफर दिए जा सकते हैं, एक तरह का चेंज लेके आ सकते हैं। दूसरा, हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनके थ्रू फूड राशन दिया जा सकता है, और ये कैसा होना चाहिए, एक तरह से प्रॉपर टारगेटेड। इवन वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया की यहाँ पे तारीफ करी थी कि इंडिया जो टारगेटेड सिस्टम है जहाँ पर प्रेग्नेंट मदर्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को, बच्चों को अलग से प्रोविजंस प्रोवाइड करी जाती हैं ताकि वो सही चीज़ें कर पाएं। एंड इसी के बेसिस पे आप सभी जानते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इंडिया ने यहाँ पर थोड़ी कुछ प्रोग्रेस भी करी है। ऑल्दो हमारा जो 2030 तक टारगेट है ना, जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हमने सोचा हुआ है, वहाँ तक अभी तक हम नहीं पहुँच पाए, पर हम सही डायरेक्शन में ज़रूर मूव कर रहे हैं, और ये जो फूड राशन हो गया, कैश बेनिफिट्स हो गया, इन्होंने कुछ हद तक यहाँ पर काम इस डायरेक्शन में किया हुआ है, ठीक है। तो देखो एक पोषण उत्सव करके भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का देखो मेला ही है पोषण उत्सव, दरअसल में एक तरह का मेला ही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि यहाँ पे नए बच्चे आए उनको एक तरह से बताया जा पाए कि हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, वुमेन के रिगार्डिंग एक तरह का मैसेज जाए, एक संदेश जाए। यहाँ पर आपको हेल्थ चेकअप्स भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ हेल्दी फूड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी हो, वो सारी चीज़ें। तो राइटर ये बात कर रहे हैं कि अच्छे स्टेप्स हैं, पर अगर हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग से सोचना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कुछ इश्यूज डेफिनेटली हैं, चाहे स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, या फिर माल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, पर अभी भी इंडिया को बहुत काम करना है, ठीक है, ताकि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हम अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं उनकी डायरेक्शन में हम अच्छे से काम कर पाएं। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल, चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, रोल ऑफ कम्युनिटी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, और इसको आप जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आप जानते हो कि इंडिया का ना बॉर्डर बहुत बड़ा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश का देख सकते हो, ठीक है, 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा बॉर्डर है, ठीक है। इंडिया चाइना का भी आप जानते हो नियरली 3500 किलोमीटर का बॉर्डर देखने को मिलता है, इंडिया पाकिस्तान का हो गया, इंडिया अफगानिस्तान का, दरअसल में ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ हमारा वहाँ पे बॉर्डर लगता है, ठीक है, पीओके वाले पार्ट में आ चुका है, इंडो नेपाल हो गया, इंडिया भूटान हो गया, और इंडिया म्यांमार। और देखो बॉर्डर के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, कई बार हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पर आपको जानते हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान, यहाँ वाला एरिया हो गया। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो मैं अगर ईस्टर्न साइड पे आऊँ तो यहाँ पे लाओस हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है ना, म्यांमार, यहाँ से पॉसिबिलिटी रहती है कि इंडिया में ड्रग्स आएँ। आप जानते भी हो गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया और गोल्डन क्रिसेंट वाला एरिया हमें पीओके वाली साइड वाले दिख जाता है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि बाहर से ड्रग्स इंडिया में इम्पोर्ट किए जाएँ, ठीक है ना। इसके अलावा हो सकता है कुछ तरह की स्मगलिंग वर्क भी हो सकती है, तो इस तरह की बहुत सारी इश्यूज हो सकती है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है अगर बॉर्डर मैनेजमेंट को करना हो, और ऐसा ही प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है। तो ज़रूरत क्या है कम्युनिटी इंगेजमेंट की, ताकि एक तरह का सिक्योर बॉर्डर हो, एक सेफ बॉर्डर हो। अगर देखो लोकल लोग अगर इन्वॉल्व हों तो डेफिनेटली कुछ भी वहाँ पे होगा ना, बॉर्डर के आसपास कुछ गतिविधि होती है,
तो ये बॉर्डर के जो लोग हैं ये हमें बता सकते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप यहाँ पर आके ये चीज़ नोटिस करो। तो कम्युनिटी का यहाँ पर इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। ऊपर से आप देखते हो कि बेटर नॉलेज किसको होती है उस एरिया की, बेटर नॉलेज वहाँ के लोगों को ही होगी कि वहाँ पे कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ पे जंगल है, किस तरह से वहाँ पे क्या स्ट्रेटजीज वहाँ के लोग अडॉप्ट करते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहीं के आम लोगों से, जो वहाँ की कम्युनिटी रहती है, वहीं से तो मिलती है। तो ऊपर से देखो, हम देखो एक जो बॉर्डर होता है ना, जब इतना लंबा लंबा बॉर्डर है, जैसे आपने बांग्लादेश के साथ देखा बहुत लंबा बॉर्डर है, तो कुछ ना कुछ कई बार ना कुछ गैप्स रह जाते हैं। इन गैप्स को कौन फिल कर सकता है? इन गैप्स को फिल कर सकता है हमारे ये जो कम्युनिटी के लोग हैं। ऊपर से साथ ही साथ देखो, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, ये भी आपस में ना जैसे फिशरमैन के साथ ही आपस में कभी कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जहां पर इनको थोड़ा बताया जाता है कि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे कम्युनिटी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उसी तरह से आप नोटिस कर लीजिए, जैसे आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाना, सिटीजन एंगेजमेंट करना, और ऊपर से एक पूरे देश की अखंडता के लिए, उनकी यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं कम्युनिटी को इंगेज करना। तो सर अच्छी बात है, कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए, पर कुछ ना चैलेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। व्हाट आर दोज चैलेंजेस? पहली चीज़ है कि देखो, हमारा जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अभी वो उतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, या तो एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर काफ़ी जगह पे अब एग्जिस्ट कर रहा है। हमने टेक्नोलॉजी की मदद भी ली है बहुत सारी जगह के ऊपर, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, टेक्नोलॉजी का हम काफ़ी अच्छा खासा यूज़ लेकर आ रहे हैं, पर तब भी इश्यूज़ कहीं ना कहीं रह गए हैं, ठीक है। ऊपर से जो हमारे देखो जो पर्सनल है, जैसे आप आर्मी की बात कर लीजिए, या फिर जो भी बॉर्डर गार्डिंग सिक्योरिटी फोर्सेज हो सकती हैं, तो उनको ना शायद कुछ जगह पर हमने प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दे रखी। प्रॉपर ट्रेनिंग किस सेंस में कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ आपको कैसे डील करना है, कितनी स्ट्रिक्टनेस रखनी है और कितनी फ्रेंडलीनेस रखनी है, तो कैसे इंगेज करना है, ये ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है, जो बॉर्डर कम्युनिटीज़ होती है ना, वो अक्सर एलिनेट फेस करती हैं। किस तरह से एलिनेशन? देखिए जो बॉर्डर एरियाज़ में ना, कई बार क्या होता है, डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता, ये बात हो गई। कई बार हो सकता है ये जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये थोड़ा ना कई बार शक की निगाह से देख सकते हैं बाकी लोगों को। तो ये सारे इश्यूज से होता क्या है, लोकल कम्युनिटी का उतने अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इनको कई बार लग सकता है कि ये ना सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर क्यों हैं, कहीं इनका मकसद ये तो नहीं कि हमें ये एक तरह से हमारी लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर हमें पर्टिकुलर किसी काम को रोक रहे हैं। काफ़ी बार देखो लोग ऐसे भी होते हैं जो एक जगह से सामान ना दूसरी कंट्रीज में लेके जाते हैं एज अ बॉर्डर, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, स्मगलिंग बोल देते हैं। इनको तो ये लग रहा है ना लोकल लोगों को कि ये तो हमारा काम था, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान लेके जा रहे थे, इन्होंने हमें पकड़ लिया, स्मगलिंग कर रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज वहाँ पे लोगों को अच्छे नहीं लगते, कि उनको लगता है कि हमारी कंट्री, हमारे पर्टिकुलर लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर ये इंटरफेयर कर रहे हैं। उसके साथ ही कई बार क्या होता है, एक तरह का कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारे फोर्सेस का पर्सन है, वो पंजाब से है, तो उसको कौन सी लैंग्वेज आती होगी? पंजाबी। बट हो सकता है वो पोस्टेड कहाँ पर हो, हो सकता है वो मिजोरम में पोस्टेड हो, तो मिजोरम के लोगों के साथ क्या वो अच्छे से बात कर पाएगा? अगर उसको कम्युनिटी के साथ एंगेज करना है, तो शायद वो अच्छे से एंगेज ना कर पाए इनके साथ, एक तरह का कम्युनिकेशन गैप आ जाए। इससे भी क्या होता है, लोकल कम्युनिटीज अक्सर एंगेज नहीं हो पाती बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो इसके साथ ही साथ अगर कोई हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन कोई इंडिया में है और इसका कोई और काम है जो दूसरी पर्टिकुलर कंट्री के साथ है, मतलब बिल्कुल बॉर्डर एरिया में ही रहता है, तो होता क्या है, इनको ना कुछ टाइम दिया जाता है कि अच्छा आप सुबह 9 से 9:30 के बीच में ही जा सकते हो उस पर्टिकुलर दूसरी जगह पे, दूसरे देश के अंदर, और इतने बजे ही वापस आना है। तो इस तरह के जब हमने ना टाइमली गेट ओपनिंग रखी है कि गेट कितने बजे ओपन होगा, गेट कितने बजे बंद होगा, तो फार्मर्स को या फिर जो जिनका कुछ काम आसपास के एरियाज में, आसपास की कंट्रीज में है, वहां पर उनको काफी सारे इश्यूज फेस हो जाते हैं, और इश्यूज फेस होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी हमारी फोर्सेज वहां पे वर्क कर रही हैं। इसके साथ ही साथ देखो, कई बार क्या होता है कि जो बॉर्डर के ऊपर लोग हैं, जो बॉर्डर की हमारी अथॉरिटीज़ हैं, उनकी लोकल लोगों के साथ कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो बॉर्डर पे जो लोग काम कर रहे हैं, या फिर जो बॉर्डर पे जो लोग जो रहते हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे हो सकता है इंडियन इंटरेस्ट के साथ ना अलाइंड हो, हो सकता है कईयों कुछ लोग ऐसे हों जो रहते हमारे देश में हों पर उनका अलाइनमेंट मान लीजिए चाइना के साथ है या पाकिस्तान के साथ है, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो इस चक्कर में होता क्या है कि जो एक्चुअल में सही लोग होते हैं वो भी हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खराब लोग हैं इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारी आर्मी या फिर हमारे जो अलग अलग बॉर्डर फोर्सेस के साथ, उस चक्कर में क्या हो सकता है, इनके बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट आएगा और बाकी जो इनोसेंट लोग हैं वो भी बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर, और इस वजह से लोकल कम्युनिटीज एंगेज होने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है।
तो ये सारे इश्यूज हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोई हमारा प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, एक तरह के इनफॉर्मल मैनर के बेसिस पे हम एंगेज करने की कोशिश करते हैं और एक तरह का ये चैलेंज बन जाता है। तो जरूरत क्या है? जरूरत है प्रॉपर मेजर्स लेने की, ताकि हम अच्छे से इनको अपने साथ इंटीग्रेट कर पाएं। इंटीग्रेट कैसे कर पाएंगे? देखो, उनके बीच में एक तरह का हमें ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम उनके साथ एक अच्छे से ट्रस्ट को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे साथ अच्छे से एंगेज नहीं होंगे और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी पड़ेगी, उनकी लिविंग कंडीशंस को और बेहतर करना पड़ेगा। देखो, आप सभी जानते हो एक हमारा इनिशिएटिव है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस तरह के बेसिस के ऊपर इनिशिएटिव हम क्या कर रहे हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो। वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इश्यूज को सॉल्व कर पाएं। वहां पर जो भी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको अच्छे से प्रोवाइड कर पाएं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इनको हम अच्छे से इन्वॉल्व करें। बाकी जरूरत क्या है? पॉलिटिकल विल की, कि गवर्नमेंट की अच्छी सपोर्ट हो, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलकर साथ में काम करें। हमारी टास्क फोर्स भी रह चुकी है, उन्होंने भी इसकी रिपोर्ट दी है कि ये जो सारे इश्यूज हैं हमको तब सॉल्व कर सकते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो एंड साथ ही साथ हमारी जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में कॉपरेट करें। इसके अलावा जो हमारे पर्सनल हैं, ठीक है ना, हमारे जो लोग हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी के फोर्सेज के लोग हैं, तो उनको ज़रूरत है कि वो लोकल लैंग्वेजेस को समझें, ठीक है ना, वो आपस में इन लोगों के साथ अच्छे से इंगेज कर पाएं, उनकी लैंग्वेज में होगी डिस्कशन तो एक तरह से फ्रेंडली नेचर की तरह हम उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके कस्टम को समझ सकते हैं। और जब हमें लगने लग जाएगा ना, जब उनका हम एक तरह से ट्रस्ट को गैनर कर लेंगे, तो उसके बेसिस पे क्या हो पाएगा, आपस में अच्छे रिलेशन बनेंगे कम्युनिटी के साथ भी और बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेस के साथ भी। एंड उसके बेसिस पे ये जो हमारे लिए ना एक तरह के एसेट की तरह एक्ट कर सकते हैं, ताकि ये प्रॉपर हमें ना बॉर्डर सिक्योरिटी में हमें हेल्प कर पाएं एंड अकॉर्डिंगली इंडिया और भी बेहतर कर पाए अपनी सॉवरेनिटी, अपनी यूनिटी और अपनी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। दोस्तों, हमारा जो तीसरा एडिटोरियल है वो है स्पेस नॉट टाइम से संबंधित, जहाँ जिसको आप जनरल स्टडीज पेपर टू के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, यहाँ दरअसल ना बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। और अभी ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ा एक हेयरिंग चल रही है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए किस तरह सा न्यूट्रल मैकेनिज्म होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग बात करी जा रही है। देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। आप जानते हो आर्टिकल 324 के बारे में, ठीक है ना, इसके थ्रू ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करी गई है कि एक तरह की किस तरह के इसके पास सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की पावर्स हैं अलग अलग इलेक्शन, चाहे वो पार्लियामेंट का हो गया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गया, इन सभी प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट, इन सभी चीज़ों की बात यहाँ पर करी गई है। अब देखो, ECI ने ना आज तक आप नोटिस करो बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, चाहे जब से आप 1950s के बाद का आप देख सकते हो किस तरह से जब भी इलेक्शंस हुए हैं तो बहुत अच्छा काम किया है। पर फिर भी कभी ना क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग उठे ही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जो उस टाइम की रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टी है उसको कितना फेवर कर रही है, नहीं कर रही, इसके रिगार्डिंग अक्सर ना काफ़ी बार क्वेश्चन उठे ही हैं। अब यहाँ पर देखो, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या हमने इसको प्रॉपर इंडिपेंडेंस दी है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग होते हैं उनका पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उनके बेनिफिट्स, मतलब एज इन पोस्ट रिटायरमेंट के बाद वो कोई और जॉब ले सकते हैं, ठीक है ना, हमने इसको बार नहीं किया हुआ, हमने रोका नहीं है कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आप कोई और कोई जॉब नहीं करोगे, ये हो गया। बाकी इसके साथ ही साथ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात होती है तो आप जानते हो एक होता है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ ही साथ कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं। जो कौन डिटरमिन करता है? प्रेसिडेंट साहब। करंटली कितने इलेक्शन कमिश्नर्स अलग से हैं? वो हमारे पास दो अलग से हैं, टोटल मतलब तीन मेंबर हो गए, एक चीफ इलेक्शन कमीशन एक हो गया और दो हो गए अलग से इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये दो जो अलग से इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ना, इनके हमारे पास ना इंडिपेंडेंस काफ़ी कम है इनके पास। एज इन, जैसे अगर मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो CEC है, उसको अगर आपने रिमूव करना होता ना तो उसका प्रोसेस डिफिकल्ट है, जैसे एक जज को रिमूव करते हैं ना, उसका सिमिलर मैकेनिज्म है। पर अगर एक इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, वहाँ इतने ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपका रिग्रेस प्रोसेस नहीं है वहाँ को इनको रिमूव करना, काफ़ी आसानी से इसको रिमूव कर सकते हो ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सारे कंसर्न्स आ जाते हैं इसके साथ ही साथ कि इंडिपेंडेंस क्या इलेक्शन कमीशन अपनी इंजॉय करता है या नहीं करता। यहाँ पर इसके साथ ही साथ आप ये देखो कि इनका मैकेनिज्म, इनको अपॉइंट करने का मैकेनिज्म, किसको चूज करना है, उसके रिगार्डिंग 324 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि एक लॉ बनेगा पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, इसकी बात करी गई है। पर यहाँ पर ना आज तक हमारी पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे जो लॉ लिखा था ना कि कोई लॉ बना के ये सारी चीज़ें रेगुलेट करेंगे या फिर इस लॉ के अंतर्गत होंगी, वो लॉ आज तक कभी बना ही नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये ना एक तरह का लॉ इन्विसाज जरूर किया गया था, पर अभी तक कोई भी लॉ इसके रिगार्डिंग इनेक्ट हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठा है और सुप्रीम कोर्ट ना काफ़ी ज़्यादा
चाहती है कि एक तरह का इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म आए, ठीक है ना, कि किस तरह से इनको अपॉइंट करना है, एक तरह का कोर्ट इस तरफ ज़्यादा चाहती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली देख कर सकती है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। तो एक तरह से जो पार्लियामेंट को काम दिया गया था कि एक लॉ बनाना है वो उसने नहीं बनाया, तो एक तरह से क्या आ गया, लेजिस्लेटिव वैक्यूम आ गया। अब ये लेजिस्लेटिव वैक्यूम किसको फिल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्या होता है जब इस तरह से हमारे बाकी फंक्शंस, चाहे आप एग्जीक्यूटिव देख लो, लेजिस्लेचर देख लो, अगर अच्छे से काम नहीं करते तो किसको स्टेप इन करना पड़ता है, तब आता है किसका रोल, जुडिशरी का। और यहाँ पर भी यही रोल हमें देखने को मिल सकता है कि जुडिशरी यहाँ पे आ सकती है, वो बात कर सकती है किस तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस कैसे बढ़ाई जाए, ये सारी बातें यहाँ पे हो सकती हैं। अब यहाँ पे कोर्ट को ये तय करना है कि इस इंडिपेंडेंट बॉडी जो चूज करेगा ना कि क्या इलेक्शन कमीशन कॉरस्पॉन्डिंग होगा, क्या उसकी कॉम्पोजिशन ये कोर्ट तय करेंगे या पार्लियामेंट, बट अदरवाइज कोर्ट्स के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिपेंडेंस को बढ़ा सके। अगर देखो बात करें जो करेंटली जो बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मुद्दे को देख रही है, वहाँ के जो जज हैं, जो हेड कर रहे हैं जस्टिस के एम जोसेफ, उन्होंने नोटिस किया है कि पहले क्या होता था ना, सीईसी का टेन्योर अच्छा खासा होता था। मैं आपको समझाता हूँ, देखो सीईसी कब तक काम कर सकता है, जब तक उसका 6 साल का या तो टेन्योर खत्म ना हो या फिर उसकी जो एज लिमिट है वो 65 ईयर्स की, ये दोनों में से कोई चीज़ ना हो। अब देखो पहले ना सीईसी बहुत लंबे लंबे टाइम के टेन्योर एंजॉय करते थे, मतलब 3 साल 4 साल इस तरह का, पर अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे मान लो अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट तब किया जा रहा है जब उसकी एज क्या हो गई हो, 64 साल और 6 महीने, मान लो इस तरह से, तो अब इसके पास ना वो क्या है, उसके पास टाइम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही है, ठीक है, तो उसको टेन्योर बाय डिफॉल्ट बहुत ही छोटा हो जाएगा या इससे भी कम हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन आज के टाइम पर देखने को मिली है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जा रहा है उनके टेन्योर आज के टाइम पर बहुत कम हो रहे हैं। अब इसके बेसिस पे क्या होगा, इसके बेसिस के ऊपर हो सकता है वो 6 महीने के अंदर उतना इंडिपेंडेंटली काम ही ना कर पाए जो कहीं ना कहीं चाहता था, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पे ऐसा जस्टिस के एम जोसेफ को लगता है कि कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग इश्यूज हैं, इससे हो सकता है कि इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग इश्यूज हो सकते हैं। पर यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसका व्यू पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ये है कि देखिए ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास अगर 6 महीने हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उसने सिर्फ 6 महीने काम किया, नहीं, आजकल कन्वेंशन हम थोड़ी इस तरह से है कि पहले वो काम करेंगे एज एन इलेक्शन कमिश्नर, फिर उनको एलिवेट कर दिया जाएगा एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वो ऊपर चले जाएंगे। तो एक तरह से ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए काम कर रहे हैं, वो एक लंबे टाइम के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मानना है हमारी गवर्नमेंट का। तो जरूरत क्या है, जरूरत है देखो एक तरह की प्रॉपर फ्रीडम दी जाए, हो सकता है ये फ्रीडम उसको अच्छे प्रॉपर टेन्योर के बेसिस पे आ सकती है, या फिर जैसे मैंने आपको बात करी थी ना कि एक प्रॉपर उनके पास मैकेनिज्म हो सकता है कि जैसे उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की चिंता ज़्यादा ना हो, इसके रिगार्डिंग भी कुछ प्रोविजंस बनाई जा सकती हैं, जो फिर या फिर जो सिक्योरिटी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं वो सेम सिक्योरिटी हम बाकी के और इलेक्शन कमिश्नर्स को दें। तो इस तरह के अलग अलग मैकेनिज्म हम डिवाइस कर सकते हैं जिसके बेसिस पे हम इंश्योर कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज है, इसको ना बुलवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो अगर हम करेंगे तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस बढ़े, जो हमारे इलेक्शन या फिर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करके अंदर जो इम्पॉर्टेंट रोल इसका प्ले होता है वो रोल हमेशा बना रहे इंडिपेंडेंस के साथ। तो ये था हमारा तीसरा एडिटोरियल, आई होप आपको तीनों के तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।